नमस्कार, मैं हूं प्रणव से मल्टीप्रणव आनंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। तो आइए जानते हैं कुछ मुख्य समाचार। अनलॉक शुरू होते ही लोग भी थोड़े से लापरवाह से हो गए हैं और मास्क आदि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी के देखते हुए प्रदेश की पुलिस भी सख्त हो गई है। आज से टेरी पुलिस मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी। तो घर से निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। सुमाड़ी स्थित NIT स्थायी कैंपस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे और विभिन्न स्कूलों में पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1 अगस्त से देहरादून में होगी ई तहसील की शुरुआत। 20 जुलाई से इसका ट्रायल किया जाएगा। ई तहसील शुरू होने से लोगों को घर बैठे बैठे ही अपनी फाइलों की जानकारी मिल सकेगी। कल प्रदेश में कोरोना के 37 नए मामले आए। कुल मामले 3161 पहुंच गए हैं। कल 62 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। PM गरीब कल्याण योजना में गड़बड़ी होने पर आप जिला पूर्ति अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए निर्देश। कल बद्रीनाथ धाम में 264 भक्तों ने किए भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन। तो मुख्य समाचारों में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।